उसकी कभी आपने तस्वीरें देखी हैं? नहीं। ओहो, इतनी खूबसूरत है रजा लाइब्रेरी। अच्छा हाँ, शायद शेयर किया हूँ। यूनिक चीज है नहीं? स्टार्टलिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ, आप कभी उसको गूगल कीजिएगा। I'd like to see it. हाँ, रजा लाइब्रेरी। असल में ये बच्चन तक जो थे ना, बड़े नस्टाल्जिक लोग थे, अब तो सारा तितर बितर। एक वक्त में सुना है कि नवाब रामपुर के एम्प्लॉय में देवर लाइक 500 म्यूजिशियंस थे उनके। बोले भाई 500 भाई, घराना बनाया है जी। Did I mention to you कि the last that I went into the interior, ये मैं मोहर्रम में था लखनऊ में, तो मैंने अपने ask my father-in-law कि भाई सोच सुनना चाह रहे हैं पुराना, तो मुझे ले गए ये महमूदाबाद by the palace, वहाँ पे एक बारादरी है, एक झील है उसके सामने, और ये बारिशों का मौसम था, पुराने सोज खानों को बुला के इन्होंने पढ़वाया है, बट टेप ऑफ दैट समवे यार, उसमें जो इमोशन है ना, मैं सोच में नहीं, मगर ये जो जिस तरह से पेश किया गया। अच्छा, बेचारों की आवाज़ लड़खड़ाती हुई कमज़ोर, मगर यार उसमें भी एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ख़ास तौर से जैसे मैं पहले कह रहा था ना कि अगर वो गायक जो है ना बूढ़ा हो, हाँ, तो उसकी आवाज़ में तो एक और ही किस्म की हो, एक तो मुलायम हो जाती है, ड्राइव कर सकते हैं, एक लहर सी होती है, हाँ, जो फ़र्क होते हैं। हाँ, दूसरा ये कि सारे तजर्बे कर कर के तो वो कहते हैं कि भाई इसमें कोई इनको इम्प्रेस नहीं करना। हाँ, हम अपने अंदाज से और अपनी जितनी सांस है, जितनी कुव्वत है, उसके मुताबिक पढ़ेंगे तो उसकी असलियत आ जाती है फिर सामने। बहुत यार, कितना खूबसूरत नज़ारा। रज़ियुद्दीन की जो लेटर लाइफ की चीज़ें हैं उसमें वो आवाज़ थी। हाँ, वो थी। Of somebody who is aging a little bit, but has the most beautiful voice.